लिखेंगे सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर एंड एन एरो ओवर इट्स हेड एंड एन एरो ओवर इट्स हेड और बाय बोल्ड लाइन. समझाते हैं इसका मतलब. और बाय बोल्ड लाइन लेटर और बाय बोल्ड लाइन लेटर. बाय ए लेटर एंड एन एरो ओवर इट्स हेड. हेड है. क्या कहने का मतलब, जैसे मान लो कोई ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ए लिख दिए और उसके हेड पे एरो दे दिए, नहीं, या इसी को बोल्ड लाइन से लिख सकते हैं, बोल्ड लाइन लेटर, यानी इसी को मोटा कर देंगे ऐसे. ऐसे ये भी तरीका है कि इसी को बोल्ड कर दो, है ना, ऐसे बोल्ड कर दिए. ठीक है, तो कई सारे बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि लेटर को क्या करेगा, बोल्ड कर देगा. तो वो भी वेक्टर का नोटेशन है, या नॉर्मली हम लोग ऐसा लिखते हैं, ए लेटर और उसके हेड पे एरो. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ वेक्टर का. ठीक है, लिख लिए, लिखना भी है, इसको लिखते चलना है. ओके, आगे देखो. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ. तो जैसे डायरेक्शन के अलावा जो भी बचा वो सब क्या है, मैग्नीट्यूड. जैसे मैग्नीट्यूड को लिखते कैसे, अगर हम लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का मॉड, ऐसे, है ना. या सिंपली ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सिंपली केवल लेटर लिख देंगे तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा. एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू है 2 meter due east. 2 meter due, तो ए का मॉड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 2 meter. डायरेक्शन के अलावा जो भी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है. तो पूरा 2 meter क्या हो गया, मैग्नीट्यूड. लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा. तो पहले ये लिखिए, फिर नोट करके लिखेंगे. ठीक है, मिटा दें. नोट, लिखो नोट करके. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव. जैसे वेक्टर ए का मॉड, सॉरी, अगर मान लो, सपोज करो, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू -10 newton ड्यू ईस्ट लिखा हुआ है. मान लो कोई वेक्टर एफ है, फोर्स वेक्टर है, -10 newton ड्यू ईस्ट. तो ये एफ का मैग्नीट्यूड अगर हमको लिखना होगा ना, तो हम 10 न्यूटन ही लिखेंगे, माइनस नहीं लेंगे. फिर आप कहिएगा माइनस क्या करेगा, तो ये माइनस डायरेक्शन में जाएगा. किसी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस लगने का मतलब वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है,
माइनस को मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। वो माइनस कहाँ जाएगा? डायरेक्शन में जाएगा। अब डायरेक्शन में कैसे उसको यूज करेंगे वो हम आगे बताएंगे, लेकिन बस ये समझना है माइनस भी लिखा रहेगा तो मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। ठीक है, लिखते चलो। क्या नहीं लिखे हो तुम तो? ओ अब आएगा वो, कहाँ आया तो तुम्हें वो चला गया, अब नहीं आएगा। बगल से लिख लो, पहले ना बोलना चाहिए था। नोट करके लिखे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो बोले थे, है ना? अब हो गया, ओके। देखिए आगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ग्राफिकली किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि लेटर और उसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट किए, तो ग्राफिकली किसी वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ लाइन का टुकड़ा, लाइन का एक पार्ट, और इसमें एरो लगा हुआ, ऐसे एरो लगा हुआ, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी लिखेंगे ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसका क्या फायदा है, क्यों करते हैं? भाई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था ही, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अलग से क्या जरूरत पड़ा? अगर मान लो हम ये बोल दें कि इसमें हम ये बोलते हैं कि लाइन का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, और एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, क्या इसका यह मतलब हुआ कि लाइन का लेंथ स्केल से नापेंगे और वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। लेंथ ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बोल रहे हैं। रिप्रेजेंट करना और खुद होना अंतर है ना, तो फिर क्या फायदा है इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का, क्यों कर रहे हैं? कुछ तो रोल होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। तो इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल में कि अगर तुम्हारे सामने दो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो इसको देख के हम क्या कहेंगे? दोनों सेम डायरेक्शन में है और किसका ज्यादा है, ये तो कह सकते हैं ना। तो कम से कम ऐसा फिगर बनाने से कुछ तो कंपैरिजन दिख गया हमको। तो ग्राफिकली यानी ड्राइंग से हम दो वेक्टर को कैसे कंपेयर करेंगे, इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ड्राइंग के द्वारा दो वेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि भाई वेक्टर ए का जो मॉड है वो बड़ा है वेक्टर बी के मॉड से, कह सकते कि नहीं कह सकते? ये किस बेसिस पर कह पाए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर। तो हर एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर है,
है ना, लिखिए मिटा दें, आगे लिखिए मल्टीप्लीकेशन, क्या यार क्या लिख दे रहा है, लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, किसी वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन, जैसे वेक्टर बी इज इक्वल टू के इंटू वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी इज इक्वल टू के इंटू वेक्टर ए, वेक्टर बी का मॉड के इंटू वेक्टर ए का मॉड, सही है, ये लिखेंगे ना। यहां पर के क्या है, एनी स्केलर, के क्या है एनी स्केलर, यानी अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्केलर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में सीधे गुना हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में या केस फर्स्ट कर देते हैं, केस फर्स्ट अगर के जीरो से बड़ा है तब क्या होगा, के अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा, तो के पॉजिटिव है तो मॉड के ही रहेगा, वो सीधे मैग्नीट्यूड में गुना हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन डायरेक्शन का क्या होगा, तो अगर के पॉजिटिव है ना तो बी का डायरेक्शन वही होगा जो ए का डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना है, हम लिख रहे हैं इस बात को, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज सेम एज वेक्टर ए। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल से, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी का, केस फर्स्ट का, जैसे तुम जानते हो न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ बराबर एम ए, जानते हैं, जहां मास स्केलर है अब फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक ऐसा ही सिचुएशन आया कि नहीं आया, के जीरो से बड़ा है कि नहीं, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर आपको दिया हुआ है कि ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट और मास है 5 kg, तो फोर्स क्या हो जाएगा ये बताइए, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सीधे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2 = 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, और ड्यू ईस्ट जो है वो ड्यू ईस्ट ही रहेगा, डायरेक्शन क्या करना है सेम रखना है, तो डायरेक्शन वही रह जाएगा ड्यू ईस्ट, सही है जी। अब अगर सेकेंड केस का बात करें, पहले इतना लिखो ना, केस टू, इफ के लेस देन जीरो है, के अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो उस केस में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज डायरेक्टली अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट टू वेक्टर ए, then direction of vector B is directly opposite to vector A. बोलो कैसे, एक और फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ये भी आप जरूर जानते होंगे, F बराबर Q into E, जहां Q चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q निगेटिव भी हो सकता है,
अब हम लिख रहे हैं E बराबर 100 न्यूटन पर कूलंब ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, और Q बराबर दिया हुआ है -2 कूलंब। Q कितना दिया हुआ है? अब अगर हम आपसे पूछें कि फोर्स क्या होगा, बताओ। तो F बराबर हो जाएगा 100 × 2, दो ये 2 कूलंब है ना, ये तो 200 न्यूटन बचेगा। और माइनस के बारे में क्या बोले कि माइनस है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो जो नॉर्थ है वो बन जाएगा साउथ। तो ये हो गया ड्यू साउथ। बात समझे क्या कर रहे हैं? अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मैग्नीट्यूड सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड को माइनस से कोई मतलब नहीं है। माइनस क्या करेगा? डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। यानी आगे से ध्यान रखना है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस लगने का मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स, ठीक है ना।